ठीक है। देखो सब बच्चे ध्यान दीजिए यहाँ पर बेटा, मैं बता रहा था आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं देखो दो अलग अलग केसेस में होते हैं। एक बार x को इंटीजर मानते हैं, एक बार x को नॉन इंटीजर मानते हैं ना, x नॉट इक्वल टू i। और नॉन इंटीजर मानने का तरीका होता है कि x को i प्लस f मान लिया जाए, है ना। नॉन इंटीजर मानने का मतलब ही होता है कि x को i प्लस f मान लिया जाए, है ना। f की वैल्यू 0 1 के बीच में होगी। अब देखो ध्यान दो, जैसे मान लो अगर हम x को 1.3 ले लें तो क्या होता है, देखो अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो 0.3 के ही बराबर आ जाएगा। मतलब देखो देखो ये 0.3 का मतलब f, 0.3 का मतलब क्या हो गया f, f का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक। तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 आ गया। अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 1 हो जाएगा, अगर हम लीस्ट इंटीजर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये सारी बातें मैंने आपको समझाई हुई डिटेल से, ठीक बात है। देखो ध्यान दीजिए, x को ये माना, फ्रैक्शनल पार्ट ये हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये हुआ, लीस्ट इंटीजर ये हुआ, ये सारी की सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, है ना। ये सारी की सारी वैल्यूज देखो इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसको सॉल्व करने का मेथड देखते हैं क्या होगा। देखो सब ध्यान दीजिए बच्चे, देखो क्या होगा यहां पर, 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट कितना है देखो f, है ना, इक्वल टू x, x का मतलब क्या हो गया बोलो, i प्लस f प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब क्या हो गया बोलो i प्लस लीस्ट इंटीजर का मतलब क्या हो गया देखो i प्लस 1, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू f हो गई, x, x का मतलब हो गया i प्लस f प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया i और लीस्ट इंटीजर कितना हो गया देखो i प्लस 1। देखो ध्यान दो, f इधर ले आएंगे तो क्या बचेगा बोलो 3f, देखो i i i क्या हो गया देखो 3i और प्लस 1, f इधर ले आए तो क्या बच गया बोलो 3f इक्वल टू 3i प्लस 1, ठीक ये होगा। तो जब हम x को i प्लस f मानेंगे तो देखो f और i के बीच में एक रिलेशन बन जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे देखो, यहां से f की वैल्यू निकालेंगे 3i प्लस 1 बाई 3 हमेशा, है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। जब हम x को i प्लस f लेंगे तो हमेशा i और f में एक रिलेशन बनेगा, हर सवाल में ऐसा होगा। और वहां से हम लोग f की वैल्यू निकालेंगे i के टर्म में, ऐसा हर सवाल में करना ही करना है, है ना। f की वैल्यू निकालनी होगी i के टर्म में, याद रखो इस बात को, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, ये जो हमने f की वैल्यू i के टर्म में देखो निकाली है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां से f की वैल्यू i के टर्म में निकालने के बाद देखो क्या करेंगे, समझो सब बच्चे ध्यान। देखो एक्चुअली f क्या है, f है 0 और 1 के बीच में, f क्या होता बोलो, f होता है 0 और 1 के बीच में। तो ये f की जो वैल्यू निकाली है ये इसमें रखें f की जगह पर, है ना। तो देखो क्या हुआ, 3i प्लस 1 बाई 3 ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ठीक है, है ना। f की वैल्यू ये है और f है क्या, f है 0 1 के बीच में। तो हमने क्या किया देखो, f की वैल्यू को यहां लिख दिया 3i प्लस 1 बाई 3 और ये वैल्यू क्या आ गई देखो 0 1 के बीच में, इसको पुट किया। अब देखो ध्यान दो, थोड़ा सिंपलीफाई करें, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 0 लेस देन 3i प्लस 1 लेस देन हो जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 1 माइनस करें तो माइनस 1 लेस देन 3i लेस देन हो जाएगा 2, 1 माइनस करें, 3 से डिवाइड करें, देखो 3 से डिवाइड करें तो i क्या बचेगा, i बचेगा माइनस 1 बाई 3 से लेकर के 2 बाई 3। देखो ये i की वैल्यू आई, है ना, 3 डिवाइड किया। देखो ध्यान दो क्या हो रहा है यहां पर, सब बच्चे ध्यान दीजिए कि i की वैल्यू ये आ गई माइनस 1 बाई 3 से 2 बाई 3 तक, माइनस 1 बाई 3। देखो क्या होता है, माइनस 1 बाई 3 देखो ये 0 होता है, ये 1 होगा, 2 बाई 3 यहां कहीं होगा और ये माइनस 1 होगा, माइनस 1 बाई 3 यहां कहीं होगा। तो देखो क्या हुआ, जो हमारा आई है, आई आई की वैल्यू देखो क्या है, माइनस 1 बाई 3 2 बाई 3 के बीच में ये आई है। तो इन दोनों के बीच में जो अकेला इंटीजर है वो क्या है बोलो, 0।
तो इसका मतलब i की वैल्यू क्या आ गई, देखो 0 के बराबर आ गई, है ना। तो i की वो सारी वैल्यूज लेंगे जो इन दोनों के बीच में आएंगी। तो इन दोनों के बीच में देखो जो अकेला इंटीजर है वो 0, क्योंकि i का मतलब क्या हो गया, इंटीजर। तो इन दोनों के बीच में अकेला आने वाला इंटीजर क्या है, 0, यही अपना i हो गया। ठीक, देखो ध्यान दो, हमने x क्या माना था, हमने x माना था i प्लस f, i मिल गया। ठीक, i मिल गया। अब अगर i मिल गया तो ये i की वैल्यू पुट करके आप f निकालो। देखो ये हमें i मिल गया, i क्या आ गया बोलो, i की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। ठीक, i की देखो वैल्यू 0 के बराबर आ गई। ध्यान दो, ये i की वैल्यू इसमें रखो तो देखो f क्या आएगा, f आ जाएगा 1/3। ध्यान दीजिए, जो i की वैल्यू यहां से मिली है, ये i की वैल्यू इसमें रख दो तो f आ गया। f कितना आ गया देखो, 1/3। और x क्या था, x था i प्लस f, है ना। देखो x क्या था, x था i प्लस f, तो x की देखो वैल्यू क्या आ गई, i हो गया 0, तो 0 प्लस 1/3, दैट मींस क्या आ गया देखो, 1/3। ध्यान दीजिए, तो देखो जो हमारा सेकेंड केस था, उस सेकेंड केस से हमें x की फाइनल वैल्यू क्या मिल गई बोलो, 1/3 के बराबर, है ना। x को माना था i प्लस f, पहले हमने i निकाला जो 0 आ गया, i की वैल्यू यहां पर रखी तो f आ गया, f कितना आ गया बोलो, 1/3। i और f को आपस में ऐड कर दिया तो x आ गया, और x की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। ये सेकेंड केस का आंसर है, मतलब सेकेंड केस से x की वैल्यू ये आई है, और पहले केस से x की वैल्यू क्या आई थी, 0। जो हमारा केस 1 था उससे x की वैल्यू क्या थी, 0। तो फाइनली हमें दो आंसर मिले, एक मिला x बराबर 0 और एक मिला x बराबर 1/3। ये हमारे क्वेश्चन के फाइनली देखो दो आंसर हो गए, है ना, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू क्या हो गई बोलो, 1/3। तो ये हमने अपने क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर लिया, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से लिख लो, जो क्वेश्चन चाहे आप अपनी मर्जी से ऐसे लिख लो, और उनको इन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आईआईटी ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, उनको भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जनरल मेथड है, इससे इस टाइप का हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। लिखो सब बच्चे ध्यान से, फिर बताता हूं मैं आपको एक दो और भी क्वेश्चन इस टाइप के।